स्पीकिंग नेचर के इस सत्र में आज हम आपको सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग उन लोगों के लिए बताएंगे जिनका बिजी शेड्यूल है और जो अपने नौकरी वगैरह करते हैं और उसमें कैसे वो नेचर क्योर को फॉलो करें। अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो करना है और प्राकृतिक जीवन शैली तो सभी के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ के शेड्यूल के अनुसार अपने शरीर को ही हम बीमार करते जाएं, ये तो कोई रूल है नहीं। सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा, जो नौकरी करता हो, जो घर में बैठा हो, जो बूढ़ा हो, जो कैसी भी स्थिति का हो, क्योंकि पांच तत्वों से शरीर बना है। अगर उसका हम बैलेंस करना नहीं जानेंगे तो ज़रूर बीमारी को ही आमंत्रित करेंगे। तो अपनी बिजी शेड्यूल में वर्किंग पीपल किस तरीके से इसका लाभ उठाएं, तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको इसकी इस नेचर क्योर की जानकारी होना जरूरी है। नेचर स्पीकिंग नेचर माने हमारा शरीर ही बोलता है, ये तो खुद ही बोलता ही है। चुनाव की बात तो बात की बात है, पहले तो यही समझना है कि हमें क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये हमारी अपनी वर्किंग प्लेस पर किस तरीके से हमारी इंगेजमेंट्स है इसके अकॉर्डिंग हमें तय करना है। देखिए मॉर्निंग टाइम में तो वही करना है, वॉशिंग लाइन चालू रहती है तो कोई वर्किंग हो, कोई बीमार हो, कोई कुछ भी हो, है ना, चाय कॉफ़ी वगैरह ना लें। इससे हमें डायरेक्ट से भले लाभ मिलते हो लेकिन इनडायरेक्ट हमारा ये मध्य प्रदेश गर्म हो जाता है, तो इससे मस्तक भी गर्म होता है और पूरे मुल्क की अशांति बढ़ती है ना? तो सुबह के टाइम में तो वही नारियल पानी, पेठे का पानी, सब्जियों का रस वगैरह ले लें 8 बजे के अंदर में, ऑफिस जाने का टाइम। कुछ लोग तो ऑफिस जा रहे हैं और आजकल के दिनों में तो सभी ज़्यादातर लोग घर में हैं और घर बैठकर अपनी जीवन शैली को इस मुताबिक बनाना बहुत ही सहज है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप घर में ही हैं तो कुछ लेकर तो कहीं जाना नहीं है, घर में से ही उठाना है। तो सुबह अपनी दिनचर्या की शुरुआत रसाहार से ही करें ताकि अंदर हल्कापन रहेगा और वॉशिंग के जो चैनल चालू रहता है सुबह के टाइम में उसमें बहुत मदद मिलेगी और अंदर से अगर हल्कापन रहे तो बहुत खुशी भी लगती है। तो किसी भी तरीके के सब्जियों का सूप ले लें, जूस ले लें, फल ले लें, है ना, फलों का जूस ले लें, इस तरीके की प्रोग्रामिंग करें। इसीलिए ये बताया कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारे शरीर की थकावट और आराम, एक तो वर्क एंड रेस्ट, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बाहर का जैसे हम वर्क और रेस्ट जानते हैं, है ना, उसी तरह अंदर के अंग भी, वो भी कर्मचारी हैं, वो भी अपनी अपनी नौकरी निभा रहे हैं, तो उनको भी वर्क, उसके बाद रेस्ट, रेस्ट एंड वर्क। तो अंदर जो कुछ भी हम खाते पीते हैं या मन के द्वारा सोचते हैं, दोनों के ऊपर शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक ही एनर्जी है, उसको कहा जाता है वाइटल एनर्जी, वही यूज़ होती है। तो अगर हमने सुबह के टाइम प्राकृतिक जो भी मौसम की चीज़ है उसके अनुसार, जैसे नारियल पानी वगैरह तो मौसम के अकॉर्डिंग क्या है वो तो फॉरएवर है, कभी भी ले ही सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। आप पेठे का जूस भी ले लें, एक गिलास निकाल के बहुत अच्छे से। कई लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ा हेक्टिक है सुबह सुबह ये पेठे का जूस कैसे निकालें, क्या करें, इट इज़ वेरी ईजी। एक्चुअली जब मन के अंदर बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर उसको फॉलो अप करना बहुत ही इजी होता है। तो मेन तो अपने मन को ही समझाना है। कहा ही जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे, स्वामीनाथन जी कहते थे कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर की रचना होती है। तो सारी बातें तो पहले मन में आती है ना, मन के अंदर आपने अगर फिट कर दिया कि अरे ये मेरे लिए उपयोगी है, मुझे यही लेना है, तो उसके लिए फिर जो भी निमित्त वर्क करना है वो इजी सा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पहले ही कहा कि अरे ये पेठे का रस निकालना ये तो बड़ा कठिन टास्क है, वो कौन निकाले, तो फिर उससे लाभ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी तो नहीं करना है, एक पाव आधा किलो पेठा ले लेना, उसके ऊपर के छिलके को हटा दें, बीज को हटा लें, छोटे छोटे पीसेस करके अपने मिक्सर में ही डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और उसको चर्न कर लें। चर्न करने के बाद आजकल बाजार में भी एक कपड़ा सा मिलता है छानने वाला, बस वो कपड़ा ले लें, उसके अंदर छानें, बिल्कुल माइल्ड वाटर उसका निकलेगा, हाईली एल्कलाइन है,
है, ओबेसिटी किसी भी तरह की परेशानी शरीर में आने नहीं देगा, क्योंकि खून के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है जब एल्कलिनिटी घटती है और इस पेठे में हाईली एल्कलाइन है। तो इसको अगर हम ऐसे करके एक गिलास पौना गिलास बना के घूट घूट पी लेंगे, फिर एक दो घंटे तक कुछ भी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी उम्र का आदमी हो, कैसी भी स्थिति का हो, नौकरी पेशे वाले की वैसे तो बात हो रही है, वो भी सुबह सुबह ये सुबह माने 7-8 बजे तक ये ले लें। फिर अपने आजकल घरों में ही काम है तो 10 बजे से अपने काम में लगना है, तो अगर आपको उसके बाद भूख लगती है, ज़रूरत लगती है कि हाँ अभी तो नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि नाश्ते की आदत इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह ही होगी लेकिन यहाँ बहुत है, तो नाश्ते के रूप में आपको अभी रसोई का पका हुआ सामान लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पूरी एनर्जी चाहते हैं और नेचर क्योर के द्वारा लाभ चाहते हैं तो इस समय भी संकुप्त आहार ही लेना है। सूर्य की जिसके ऊपर रोशनी पड़ी हुई है, माने फलों का एक बाउल तैयार कर लें, 2-4 तरीके के उसमें फल काट के मिला लें, जरूरी नहीं कि एक ही भी फल हो, मिला लें, क्योंकि सुंदर सा बनाना है, जो कुछ हमें खाना है स्वास्थ्यवर्धक भी हो, देखने में भी अच्छा हो, स्वादिष्ट भी हो, है ना, खूब सुंदर सा उसको बनाएं। उसके अंदर कुछ खजूर काट के मिला लें, अनार के दाने भी हैं, खजूर है, अगर हम ठीक ठाक हैं, कोई रोग वगैरह नहीं है, है ना, हमें फीलिंग चाहिए, तो कुछ ड्राई फ्रूट जो मौसम के हैं, अंजीर हैं, बादाम हैं, इनको भिगो कर पहले से रखें, इनको भी काट के मिला लें। समटाइम्स आप जो है अंकुरित दालों के 2 चम्मच अंकुरित दाल मिला लें, फलों में नहीं, वो तो खैर सब्जियों के सलाद में मिलाना होगा, फलों में तो वो नहीं मिलाना है, फलों में आप ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, भींगे हुए वो भी उसको मिला लिया और अच्छा सा देखने में थोड़ी कभी हनी डाल ली है, कभी अपने आप ने ये डाल लिया, पंच प्रसादम जैसे होता है ऐसा बनाकर और खुशी खुशी उसको अगर ग्रहण करेंगे तो आप अपने ऑफिस का काम भी बहुत बढ़िया से उसमें डिवोशन दे पाएंगे, मैच्योर कर पाएंगे और शरीर हल्का रहेगा, है स्ट्रक्चर सीधा रहेगा, किसी तरीके की नींद भी उस समय नहीं आएगी, है लेजीनेस नहीं लगेगा और बहुत अच्छा है, और शरीर के अंदर भी काम कम उनको करने पड़ेंगे, इसकी वजह से आप बाहर ज़्यादा काम मैच्योर कर पाएंगे, है ना। तो ये ऐसे अपने को कर लें, तो अभी तक कोई कुग्र चीज़ हमने नहीं ली, उसके बाद एक पेट की गीली पट्टी लगा लें, इसमें भी कर सकते हैं, पेट की गीली पट्टी लगा लें, घर में बैठना है अभी तो, कुछ लोग जो ऑफिस जा रहे हैं वो मॉर्निंग में उस पट्टी को लगा लें, किन्हीं के पास और भी अगर समय नहीं है, कुछ अभी तो स्कूल नहीं खुले लेकिन कुछ ऐसे मास्टर या इस टाइप की जॉब में हैं, तो एक बार स्वामी जी के सामने एक व्यक्ति आया, स्वामी जी कहते थे थोड़े सवेरे के टाइम अपने कुछ समय दो, बाहर घूमने टहलने जाओ, है थोड़े प्राणायाम करो, थोड़ा वॉकिंग करो, इस दिनचर्या को ऐसे बनाओ। उसने कहा कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो 7:30 बजे घर से निकलना होता है। तो स्वामी जी ने उसको एक ट्रिक बताई थी ऐसे बिजी शेड्यूल में भी, कि मॉर्निंग टाइम में या किसी भी टाइम जब आप कुछ खाने बैठते हैं तो उस टाइम पर आप अभी कुछ खाना खाने का और मन है, जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं या कोई और चीज़ भी खा रहे हैं, उसके पहले ही कोई आपको लेकर आएगा देने के लिए, और आप अपना सर धीरे से ऐसे और ऐसे हिला लें, ऐसे हिला लें 1-2 बार ऐसे और ऐसे हिला दें, खाते हुए भी ऐसे हिला लें, अगला समझेगा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका बैठे बैठे गर्दन की एक्सरसाइज भी हो गई और थोड़े जो आपको ज़्यादा खाने की जो मनसा थी वो भी शांत हो गई, तो अंदर हल्कापन भी रहेगा, एक्सरसाइज भी हो गई। ये तो उनकी बात है, लेकिन जो अभी और नौकरियों में हैं, बाय द वे वो अगर वॉकिंग कर सकते हैं तो करें, सुबह वॉकिंग करें, क्योंकि हवा स्नान मिलेगा, सूर्य की कुछ तत्व मिलेंगे, आकाश तत्व मिलेगा, ये तो करना ही करना है। अगर आप चाहें है मन के अंदर ये विचार बना लें तो क्या नहीं कर सकते हैं। फिर ये कहने की बात नहीं आती कि हम कैसे नेचर क्योर को फॉलो करें, नेचर क्योर को समझने की मेन बात है, फॉलो करने में मुश्किलें नहीं आती हैं, अंदर उसके सिद्धांत को उसकी दिन कैसे वो कर रहे हैं चीज़ें उसमें फॉलो अप होती हैं, वही सिर्फ समझना है ना? तो उसको अगर आपने समझ लिया तो फॉलो कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात होती है सुबह उठ के, जो लोग अभी 10 बजे नौकरी पे बैठना है या 9 बजे भी बैठना है, तो मान लो आप सुबह नहीं भी निकल पाते हो, वैसे तो निकलना चाहिए खुले में, मान लो आप टहलने नहीं निकल पाते हो किन्हीं वजहों से, है ना, नहीं निकल पाते हो, आपका शेड्यूल थोड़ा टाइट है या कुछ ऐसा है, नहीं ही निकल सकते हैं हम बाहर, तो कम से कम घर के अंदर खिड़की को खोल के या कुछ ऐसी बालकनी का जो कि माहौल हो जहाँ थोड़ा बाहर की हवा आती हो, वहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, कुछ भी ना करें,
बस केवल एक ओम, जो पवित्र मंत्र ओम है, उसकी प्रैक्टिस करें, है ना। ऐसे करें कि खाली हमारे बोलने में ही नहीं आवे, उस ओम के द्वारा गहरी सांस हम लेंगे और फिर उसको ऊपर बाहर छोड़ेंगे। कोई प्राणायाम भी नहीं करना पड़ा, और इस हमारे जो भी हम बोलते हैं उसमें भी हम एक्सहेल और इनहेल करते ही हैं। ये हमें समझना है कि किस तरीके से हम बातचीत करें। तो मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा बैठकर तो अपनी ओम की प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक करके भी बता देती हूँ किस तरीके से करना, क्योंकि लोग तो करते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है, है ना। तो थोड़ा सुबह खाली पेट भी रहेगा, और उस समय जब आप वायु को भरेंगे और छोड़ेंगे, 5 से 7 बार कर लेंगे। देखिए इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। आँखों को बंद कर लें, चिन मुद्रा लगा लें, और उसके बाद फिर बोलें मुँह से पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण करें। गहरी सांस लेते हुए ओ, हाथ मैंने इसलिए ऐसे यहाँ पर रखा कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अंदर किस तरीके से हमारा ये पेट अंदर की ओर जा रहा है, है ना। माँ कहते कहते बिल्कुल अंदर, फिर हम ओम कहेंगे बाहर, फिर अंदर। तो आपके इस प्रदेश की, जिसको कि हमारे गुरुजी मध्य प्रदेश कहा करते थे, इसको नरम रखना, एक्टिवेट करना। यहाँ बहुत सारे मेन वाइटल ऑर्गन्स रखे हुए हैं, तो उनको एक्टिवेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 4 से 5 बार, बच्चा हो, बड़ा हो, बीमार हो, वर्किंग हो, एनीबडी कैन डू इट। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी अंदर की इकोलॉजी ठीक होगी, बहुत शांति आएगी अंदर, सारे अंदर के नर्व्स हैं, मसल्स हैं, सबको वायु मिलने की वजह से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जो भी एलिमिनेशन करना है वो कर सकेंगे, जो अपनाना है उसको अपना सकेंगे। और उसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये होगा, जिस भी स्थान पर आप बैठकर इस ओम का उच्चारण करेंगे ना, वो स्थान भी बहुत ही उसका ऑरा बढ़ जाएगा, माने पॉजिटिव हो जाएगा, आपका खुद का प्रकाश बढ़ेगा। तो ये सब कुछ मिलकर हमको आनंदित करेगा और हल्का करेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिजी भी हैं तो भी बस एक बात कहना छोड़ दें कि अरे हम नहीं कर सकते, आई कैन, ये कहना सीखें। जैसे आप ये कहेंगे अपने आप आपको माहौल मिल जाएगा, और करेंगे जो करेगा सो पाएगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, हैं, गलत बो देंगे तो फिर गलत काटना पड़ेगा, फिर उसको सही करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बुद्धिमत्ता इसी में है, कॉमन सेंस यही है कि खराबी होने से पहले हम अपने आप को बचा लें और सुधार लें। तो ओम की प्रैक्टिस करके, अपने स्नान वगैरह सूखी मालिश करके, फ्रूट्स का आहार ले लें सवेरे, अगर फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, नारियल पानी वगैरह अगर पी के रह सकते हैं वो पी लें, नहीं तो कच्चे सलाद कुछ बनाकर उसमें कच्चे गोले का नारियल फ्रूट में भी मिला सकते हैं और इसमें भी मिला सकते हैं। घर में है तो दोपहर में जब आप, आजकल एक और बड़ी समस्या है क्योंकि सारे काम तो लैपटॉप पे ही हो रहे हैं, फोन पर ही हो रहे हैं, तो हर वक्त हमारे ऊपर रेडिएशन भी पड़ रहा है। अब इस रेडिएशन से हम अपने आप को कैसे बचाएं, है ना, इसके लिए भी उपाय है। ये भी हमें हमारे गुरुजी ने ही बताया, क्योंकि उन दिनों भी लैपटॉप शुरू हो चुके थे और अंदाज नहीं था बच्चों को, लड़कों को, तो वो लैपटॉप पे लगातार ऐसे बैठे रहते थे, काम करते रहते थे, है, बहुत अच्छी तनख्वाहें उन दिनों भी बनने लगी थी जिन दिनों स्वामीनाथन जी थे। तो हुआ क्या परिणाम में कि एक दो ऐसे केस आए जिनमें आंखों से हर वक्त लगातार ऐसे देखते देखते पलकों ने अपना झपकना ही बंद कर दिया था। तो वो स्वामीनाथन जी के पास आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, यंग ही उसमें थे वो। तो हमारी ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हमेशा हम रेडिएशन लेते हुए अपनी ये सिचुएशन बना लें, काम तो करना है इसी के ऊपर। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके लिए आप अपने पास एक छोटी तौलिया रखें या कॉटन कपड़ा रखें जिसको 4 परत करके रख सकते हैं, रुमाल जैसा भी रख सकते हैं, मतलब रुमाल छोटा ना हो, थोड़ा ऐसा बड़ा सा ही हो, या पट्टी जैसा कुछ रखें, और पानी तो होता ही है, साधारण पानी में उसको बीच में जैसे आपको मौका मिलता है, मीटिंग खत्म होती है ना, थोड़ा सा तो मौका मिलता ही रहता है बीच में, घरों में तो मिलता है, बाहर भी अगर आप ऑफिस में भी गए तो भी मिलता है, बाहर आके अपना या वहीं बैठे हुए भी उसको गीला करें कपड़े को, और थोड़ी देर के लिए आंखों पर रखकर ऐसे हो जाए, इनको बंद कर लें। बेमतलब में आंखों को खोल खोल कर इस पे फोन पर या डिजिटल यूज ना करते रहें,
क्योंकि इनके जो रेडिएशन है हमारे यहाँ की नर्व को तेजी से इफेक्ट करती है, तो जो जरूरत के काम है उनमें जरूर इसका इस्तेमाल करें, और बीच बीच में आंखों को बंद करें और फिर केली पट्टी का प्रयोग कर लें, थोड़ी देर के लिए रख लें आंखों पे, ऐसे इनको यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है, नर्व है, एक्टिवेट हो जाएगा, आराम मिलेगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी अंग से, कान हो, मुंह हो, आंख हो, अगर उससे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाएगा तो लेटर ऑन वो अंग आपका वो काम करने के लिए तैयार, बाकी के काम आगे के नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर कमजोरी आ जाएगी। तो बैलेंस पूरे शरीर का रखना है, हम ये हमारे बच्चे हैं, इनका भी हमें पूरा ध्यान रख के चलना, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, ठीक है। अगर मान लीजिए करना ही पड़ता, जहाँ हमारा अधिकार नहीं है वहाँ तो करना है, फिर हाउ टू बैलेंस। बैलेंस करने के लिए अपने खुराक में वनस्पतियों से जो मौसम की चीज़ें मिलती हैं उनका सेवन बढ़ाना है, कोई उसमें मेहनत भी नहीं है, केवल कट करना है और खाना है। अपनी केवल एक समझदारी चाहिए कि हाँ इसको लेने से, जब एक बार आदत पड़ जाती है ऐसी चीज़ों को लेने की, तो फिर जो पक्को आहार है, पका हुआ है ना, वो बहुत भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा मुझे भी एक भाई ने भी बताया, अभी मुझे पतली पतली भिंडी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और भी कई चीज़ें उसने मुझे बताई कि अब हमारी जीवा इसके लिए एडेप्टेड हो गई है। तो एडेप्टेड नहीं, इसे लाभ भी होना, एडेप्टेड हो गई इट इज़ वेरी गुड, है ना, लाभ भी तो होना है ना। तो ऐसे करके ले लें, पट्टी का प्रयोग कर लें और थोड़ा अपने आप को कभी ऐसे करके लेट लें तो ये गर्दन है या एकदम ऐसे स्टिफनेस ना आ जाए, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर हो रहा है ना, स्टिफनेस आ रही है। तो एक तो भोजन सुधार, और दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मन के अंदर टकराव ना हो, मन के अंदर तनाव ना हो। तनाव, तनाव किस बात का होता है, वो अभी इतना काम करना है। घर की महिलाएं हैं उनको भी रहता है अरे इतना काम करना है, बाहर के लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं उनको भी रहता है इतना काम करना है। तो ये कह देने से ही काम हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। जितना भी काम हो आप उसके लिए, उससे भी ज्यादा आपके अंदर योग्यता है, क्यों नहीं ये सोचते हैं, मैं ही बहुत काम करती हूँ, चलो मैं तो क्या। मैंने अपने गुरु जी स्वामीनाथन जी को देखा, वृद्धावस्था में भी, इवन शरीर छोड़ने के चार दिन पहले तक भी उन्होंने मुझे डिक्टेशन दिया। उन्होंने अपने आप को कहा आई एम ए स्टूडेंट, अपने आप को उन्होंने डिक्टेशन दिया। तो इतना सारा काम वो कैसे करते थे। मन व्यवस्थित रहे, तन ठीक रहे, तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, और वाकई करने के बाद जो आउटकम आता है बहुत ही खुशी मिलती है। तो इस तरीके से अपने को जो लैपटॉप वगैरह है उससे बचाने के लिए भी आंखों पे पट्टी रखें, पेट पर पट्टी लगा लें, जब भी मौका मिले, घर में है बाहर में है लगा लें। फिर शाम के, अच्छा बीच बीच में जो आपका कॉफ़ी ब्रेक होता है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, ऑफिस वालों को टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक जरूर मिलता है, तो कॉफ़ी ब्रेक में आप कृपा करके कॉफ़ी और टी का सेवन ना करें। एक विदेश में भाई है, उसने मुझे बताया कि जब कॉफ़ी ब्रेक होता है तो जैसे आपने मान लो सुबह या किसी टाइम स्मूदी बनाई होगी, या आपके यहाँ कोई आपने ऑरेंज का जूस निकाला होगा, मतलब ये उसने बताया, सो मुझे अच्छा बहुत लगा। तो कुछ उसके रफेज बचते हैं, है ना, जो रफेज जैसे संतरे का बच गया रफेज, आपका पाइन एप्पल का रफेज बच गया, किसी और चीज़ का भी फ्रूट का रफेज, जब आप जूस वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो उसके रफेज निकलता है, तो उसको उसने संभाल के थोड़ी देर रखा, और उसके बाद जब टी ब्रेक आया तो उसको गर्म पानी किया, उसके अंदर उस रफेज को डाला, और रफेज को डालने के बाद फिर छान लिया, तो चूंकि ऑरेंज का होगा तो कलर वैसे ही आ जाता है। और मिठास के लिए थोड़ा शहद या गुड़, गुड़ का शिरप बना के रखें या गुड़ ही रखें, उसके अंदर गर्म में उसने घोल लिया और छान कर फिर उसको पिया, अंगूर एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उसको उसकी रस निकाला, तो उसका भी इसी तरह हमारे स्ट्रॉबेरी है उसका भी करके देखें, बिल्कुल कलरफुल और वेस्टेज यूज भी हो गया, और चाय कॉफ़ी की जगह जो हमें कुछ कुछ गर्म गर्म चीज़ चाहिए, अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम चाय कॉफ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती और चीनी इन दो को अपनी ज़िंदगी से भगा दें, है ना। सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, नमक भी कम कर दें, है ना, और ये सफ़ेद चीनी, ये ऐसी चीज़, सफ़ेद ब्रेड, इन सब चीज़ों को अपने ज़िंदगी से थोड़ा सा किनारा कर दें। इनके बदले में गुड़, खजूर, है ना, मिठास के लिए शहद अगर अच्छे मिल जाएं, इन सब चीज़ों को मिला के लेंगे तो जब अंदर आप उनको अच्छा काम देंगे, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहूलियत से वो अपने काम को जब करेंगे तो आपको स्वास्थ्य का वरदान तो मिलना ही मिलना है। उसके एवजे में गलतियाँ हम करते हैं, हमारे रोग, हमारा दुख हमारी गलतियों का ही परिणाम है।
अगर हमने गलती की तो हमें ही सुधारना है। अच्छा, दोपहर के समय में फिर आप इसी नेचर क्योर के हिसाब से कुछ सब्जी और रोटी ले लें। सैलेड लेना चाहते हैं अगर दोपहर में खाने के टाइम पर, बीच बीच में कुछ मन करता है, कभी नींबू पानी है, है? कभी सादा पानी भी है, सादा पानी तो पीते ही हैं, और नहीं तो अभी जो बताया कि इस तरह से कुछ गर्म चीज बना कर ले लें, हाँ ऐसे करके ले सकते हैं। फिर जो दोपहर में अपना मेन फूड खाना चाहते हैं, अगर आपको दोपहर में टाइम अच्छा है तो दोपहर में मेन फूड खाएं, ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, घर में भी, नहीं तो रात को जब आराम से आते हैं तो 9 बजे के पहले अपना मेन मील ले लें, जिसमें रोटी चावल कुछ होगा। अदरवाइज अगर दोपहर में भी लेना चाहें या रात में भी लेना चाहें तो कुछ मौसम की सब्जियां हों, अधिक मात्रा में हों, मिर्च मसाला तेल वगैरह से कम आजकल तो यंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इस तरह की स्पाइसेस चीज़ों को ना लें, जिससे कि हमारी वाइटल एनर्जी वेस्ट होती है। फालतू की चीज़ें जो शरीर को नहीं चाहिए उनको हटाकर फेंकने में बहुत सारी ताकत निकल जाती है। अगर वही ताकत बचेगी तो आप बाहर के काम भी, ऑफिस के काम हो, घर के काम हो, अपने काम हो, ढेर सारे काम कर सकते हैं और खुशी खुशी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका वायलेंट मेथड अपना है तो नहीं होगा वो काम, है ना? तो उस समय आप रोटी सब्जी ले लें। सैलेड भी लेना चाहते हैं तो 1 प्लेट सैलेड, उससे छोटी कटोरी सब्जी, फिर 1-2 रोटी ले लें, चला लें। और शाम के टाइम आप अपने भोजन में या तो फ्रूट ले लें, या फिर से अगर ठीक ठाक हैं तो हल्का फुल्का ही बिल्कुल रखें और 8 बजे तक खा लें। बल्कि हम तो और पहले भी कहते हैं कि नहीं सुविधा है तो कम से कम 8-8:30 तक अपना भोजन लेकर, फिर पट्टी वगैरह लगाकर मन को शांत। जब हम भोजन का चुनाव सही ढंग से करने लगते हैं ना, तो वैसे ही पहला स्टेप ही जब सुंदर हो जाता है, पहला कदम हम अच्छा उठाते हैं ना, तो मन में ऐसी खुशी आती है। अगर हम गलत कदम उठाते हैं ना, उठाने के बाद ही से लगने लगता है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भी होगा। तो उन गड़बड़ियों से में ना फंसें, मैं आपको निकाल लें। अब रात में जो लोग नौकरी करते हैं तो वो रात में बीच बीच में चाय वगैरह ना पीते रहें, अपने दिन में अच्छे आराम की व्यवस्था करें। सुबह आते ही स्नान वगैरह करके पहले अपने आप को रिजेनरेट करें, सोकर अच्छी तरीके से सो जाएं। सो के उठकर जब भूख मैच्योर हो उस समय उठते ही बिना स्टेपल फूड खाते रहें, माने रोटी वगैरह उठते ही ना खाएं, कुछ पहले कच्चे सलाद 1 प्लेट खाकर फिर अपना खा के फिर दिन में खूब अच्छे से आराम करके अपने शरीर को ओपअप कर लें आगे के काम के लिए, फिर रात को वहाँ जाएं। बीच बीच में कुछ ऐसे खाने के लिए अपने आप को अलाउ ना करें, मन को समझा दें अगर कुछ खाने का मन करें। ये बड़ा मुश्किल नहीं है, मन हमारा बेबी है, अगर हम उसको फीड जो करते हैं वो वैसा ही फिर एक्शन करता है। तो उस समय उसको आप थोड़ा साधारण पानी पिलाएं रात को, या कभी नींबू पानी ले लें, या फिर कभी गर्म पानी में कुछ डालकर, मतलब चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ना लें कि हमारी नींद खुली रहे दिन हो या रात हो। नींद इसलिए आती है क्योंकि अंदर की सफाई बिगड़ी हुई होती है, अंदर अगर लेजीनेस रहेगा, खाना गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। तो इसलिए ये जो नेचर क्योर है इसे सभी फॉलो कर सकते हैं, ये कह के अपने को अलग ना करें कि हम तो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है। बिजी शेड्यूल और अच्छा है, फल लेकर फटाफट खा लें 1-2 मिनट, कितने भी बिजी हो बीच बीच में तो रेस्ट मिलता ही है, तो इतना ही ठीक है। इतना अगर इतने में से भी कुछ समझ कर करेंगे तो आगे आपका होना ही है। रोगी है तो निरोगी, और निरोगी है तो बाई फॉलोइंग दिस इल कैन बिकम वेल, वेल कैन बिकम बेटर, एंड बेटर कैन स्टिल बेटर। अच्छा, ओम शांति।